नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं अपने फ़ोन को कंप्यूटर में बदलने का एक ऐसा तरीका जो आपको बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा और आप इजीली कर सकते हैं, तो आप यूज भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता दूँ कि आपका फ़ोन एक कंप्यूटर बन जाएगा तो देखकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यही होने वाला है आज। देखिए, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को एंड तक देखते हैं तभी आपके कुछ समझ में आ पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या करना है। देखिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो बगल में घंटा होता है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा एप्लीकेशन है या फिर कौन सी साइड है, उसके थ्रू किसी ना किसी से मैं बताऊँगा। देखिए, मैं आपको सिंपल है, प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है कंप्यूटर लॉन्चर के नाम से, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर लॉन्चर लिखने के बाद आपको क्लिक कर देना, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, यहाँ काफ़ी लॉन्चर हैं जो आपको, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो इंस्टॉल किया है, जो डाउनलोड किया है, वो आपका ये वाला है। ये दोस्तों, ये कंप्यूटर लॉन्चर प्रो, जो का सबसे सबका बाप होता है। देखिए, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, आपको एक बार ओपन करके मैं यहाँ से पहले डाटा को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओपन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए, इस तरीके का मेरा ये हो गया है। देखिए, ये पूरा डेस्कटॉप साइट बन गया, जैसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, उसी तरीके से बन गया है। देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसमें आपको ऐप मिल जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशन है हमारे डाउनलोड इस फ़ोन में। इस तरीके से आपको ऊपर नीचे स्लाइड करना है तो आपको जो भी आपका ऐप होगा वो मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब इतना हम बैक कर दिया, अब इसी पे क्लिक करने के बाद ये बैक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और आपको करना क्या है, देखिए, अब आपको किसी के लिए अगर कॉल लगाना है, कॉल लगाने के लिए आपको यहाँ से डायलर वाले क्लिक पे क्लिक कर देना, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपको नंबर लगाना है, यहाँ से आप नंबर कोई भी लगा सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। देखिए, क्या आपका जो मैन टॉपिक है क्या है, देखिए आपको बताने वाला हूँ। ये कंप्यूटर अभी भी आपके दिमाग में डाउट होगा कि ये कैसे बन गया। देखिए, मैं बनाया हूँ तब बनाया। देखिए, अब आपको एक बार और क्लियर करके दिखा देता हूँ उसकी फाइल कैसी बनी हुई है, जैसे हमारे कंप्यूटर में बनी होती है उसी तरीके। देखिए, मेरा ये रिसाइकल पिन, देखिए इस तरीके का ये बन गया है हमारा। तो यहीं पर हमारी जो भी साइड जो होती है वो पूरा का पूरा बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स फाइल है, यहाँ डाउनलोड फाइल है, यहाँ पिक्चर हैं, यहाँ फ़ोटो हैं, दूसरी लोकल डिस्क, बाकी यहाँ पर जो भी फाइलें हैं आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी। यहाँ से आपको वीडियोस हैं आपकी वो मिल जाएंगी, आपको यहाँ से सॉन्ग हैं वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपकी कोई पिक्सल लाइव की फ़ोटो है या फिर कोई फाइल है वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड वाली यहाँ से आपको मिल जाएगी, जो भी आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा। और यहाँ से आपको बैक होना है, बैक हो जाने के बाद आप कुछ ऐसा थोड़ा और देखना है तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके फ़ोन में सॉन्ग होंगे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आपका ये डबल हो जाता है यहाँ से, तो एक को हम कट कर देंगे,
ठीक है। अब यहाँ से आपको इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर सर्वर फाइल शेयरिंग, यहाँ से आपको देख लेना है। देखिए ये हमारी फाइल बन चुकी है जैसे हमारे कंप्यूटर में बनी होती है। देखिए मैं यहाँ पर किसी भी फाइल को एक बार ओपन कर देता हूँ, तो चलिए मैं एक बार मैं इसको ओपन कर देता हूँ डाउनलोड वाले पे। डाउनलोड वाले पे क्लिक करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके का देखो इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा काम होगा जो आपको वहाँ से होता है। देखिए यहाँ से मैं आपको एक बार मिनिमाइज भी करके दिखा देता हूँ, छोटा बड़ा सब हो जाता है यहाँ से। अब यहाँ से पूरा बड़ा अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉपी करूँगा कोई भी फाइल होगी एक, तो मैं यहाँ से कोई भी फाइल को कॉपी कर लूँगा। ये मेरा इस तरीके का कॉपी हो जाएगा, जो भी टिक लगाएंगे हमारा कॉपी हो जाएगा। अब इसी तरीके की वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मैं अपने बैग चलता हूँ बिल्कुल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को।